नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबिता। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस का चुनावी स्टंट, 17 अक्टूबर से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर राष्ट्रीय स्तरीय की भाषण प्रतियोगिता का किया जाएगा आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में ली अधिकारियों की बैठक, मूलभूत सुविधाओं के पर्याप्त व्यवस्था करने के दिए निर्देश। पूर्व विधायक सरिता आर्य ने यशपाल आर्य की पार्टी में वापसी पर किया गुस्सा जाहिर, कहा 5 साल भाजपा के राज में मलाई खाने के बाद अब आ गए कांग्रेस में मलाई खाने। टनकपुर में मेडिकल स्टोर में छापेमारी से मचा हड़कंप, एक्सपायरी दवा मिलने पर स्टोर हुआ सील। रुड़की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चाइनीज स्नैचर को किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों को पुनर्वासित परिवारों के पुनर्वास क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क और अन्य मूलभूत सेवाओं के पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुनर्वासित गाँव में मूलभूत आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए व्यवस्था मनरेगा से कन्वर्जेंस और जिलाधिकारी के नियंत्रणाधीन विभिन्न फंडों से की जाए। इसके बाद भी कोई परेशानी हो तो मामला शासन स्तर पर लाया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने वर्चुअल माध्यम से 8 जनपदों के पुनर्वासित गाँव के लोगों से बात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी समस्याओं का उचित हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। नैनीताल से कांग्रेस की पूर्व विधायक सरिता आर्य ने यशपाल आर्य की पार्टी में वापसी पर गुस्सा जाहिर किया है और आरोप लगाया कि 5 साल भाजपा के राज में मलाई खाने के बाद अब वह कांग्रेस में मलाई खाने आ गए हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सरिता आर्य ने कहा, यशपाल आर्य को कांग्रेस ने विधायक, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष सहित सभी प्रकार का सम्मान दिया, लेकिन फिर भी वह 2017 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे। देखिए, पार्टी में आए हैं तो पार्टी में स्वागत है, क्योंकि पहले भी उन्होंने, अब मैं तो ये कहूँगी, जिधर को मलाई देख रहे हैं उधर ही को चल दे रहे हैं। पहले वहाँ की मलाई खाई और अब यहाँ की मलाई खाने आ गए हैं। पहले तो यही तंज कसूंगी मैं, क्योंकि ऐसा है, पार्टी में स्टैंड उन्होंने, उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, इतना बड़ा पद दिया था उनको, प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, मंत्री बनाया था, सभी कुछ उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया था, लेकिन वो पार्टी को छोड़ के चले गए और आज इधर देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है तो इधर मलाई खाने आ गए। पहले वहाँ भाजपा में चले गए थे और आज भी मुझे शर्तें कुछ नहीं पता चल रही है कि वो किन शर्तों पे यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर वो यहाँ पे से टिकट मांगेंगे तो मुझे भी सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि हम पार्टी में क्या स्टैंड लेते हैं। और हमें, क्योंकि 5 साल देखिए, हमने अपना पैसा फूंक कर हमने पार्टी को समय भी दिया है, डंडा झंडा हमने सब बोका है और सारे हमने पार्टी की जो भी गतिविधियां हैं, चाहे मैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, मैंने उसको बखूबी निभाया है। वरिष्ठ भाजपा नेता तारा दत्त पांडे के नाम से फर्जी पत्र बनाकर पशुपालन मंत्री को भेजने से दुग्ध संघ के चुनाव रुके। आपको बता दें कि दुग्ध उत्पादक प्राथमिक संघ के चुनाव सितंबर महीने में होने थे, किन्हीं अज्ञात तत्वों द्वारा उत्तराखंड पशुपालन मंत्री रेखा आर्य को एक फर्जी पत्र लिखा गया जो दुग्ध संघ के चुनाव पर रोक लगाने के संबंध में था। कुमाऊं मंडल विकास निगम के पूर्व डायरेक्टर और तहसील कालाडूंगी स्टाम्प वेंडर और लेखन के अध्यक्ष और संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता के फर्जी लेटर पैड बनाकर पशुपालन मंत्री रेखा आर्य को पत्र भेजा गया, जिस पत्र को तत्काल संज्ञान में लिया गया और उन्होंने आगे चुनाव को रद्द कर दिया। वहीं इस पर तारा दत्त पांडे का कहना है कि अराजक तत्वों द्वारा उनकी छवि को धूमिल करने के लिए इस प्रकार की घिनौनी हरकत की है। कोटाबाग की आम जनता इस फर्जी पत्र के चलते तारा दत्त पांडे को दुग्ध संघ चुनाव में रोक लगाने का मुख्य वजह मान रही है। सरकार ने चुनाव के आदेश जारी किए, किसी असामाजिक तत्वों ने पता नहीं मेरे नाम से पत्र माननीय मंत्री को लिखा कि कोटाबाग विकास में धांधलियाँ हो रही हैं, चुनाव अधिकारी बेकार हैं और चुनाव निरस्त किए जाएँ, और मेरे नाम से पत्र लिखा तारा दत्त पांडे और हस्ताक्षर हैं उसमें, फर्जी पत्र हो गया। माननीय मंत्री जी ने संज्ञान में लिया कि तारा दत्त पांडे जी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और उन्होंने उसको देखा नहीं, उन्होंने आदेश जारी कर दिए और आदेश दुग्ध संघ को जारी करने के बाद वो चुनाव निरस्त के आदेश कर दिए, जबकि मेरा चुनाव में कोई लेना देना नहीं है। मैं सरकार का व्यक्ति हूँ, कमांडो वर्गर में डायरेक्टर हूँ, मेरी छवि धूमिल हो रही है, साथ में सरकार की छवि धूमिल हो रही है। हम ऐसा कृत्य नहीं करना चाहते हैं। मैंने माननीय मंत्री जी को फैक्स भेजा है और कहा भी है कि ऐसे इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो, ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस प्रकार से फर्जी पत्र दिए जाएंगे तो शासन की बदनामी होगी और मंत्री महोदय को पत्र कल गया है, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि गंभीरता से इस प्रकरण को लें। और मैंने कुछ कहा है नहीं, ये मेरी छवि धूमिल होने का प्रयास नहीं, भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल होने का प्रयास है। मसूरी में फायर स्टेशन के पास के नाले में होटल प्रबंधन द्वारा नियमों का उल्लंघन कर होटल का सीवरेज डालने से फायर स्टेशन में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी काफी परेशान हैं। सीवरेज के कारण फायर स्टेशन और आसपास गंदगी और बदबू से बुरा हाल है।
फायर स्टेशन में काम करने में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं फायर स्टेशन में कार्यरत अधिकारियों और जवानों का कहना है कि कार स्टेशन के ऊपर एक बड़ा होटल है, जो अक्सर बारिश होने पर होटल का सीवरेज टैंक को नाले में खोल देते हैं, जिससे क्षेत्र में गंदगी और बदबू फैल जाती है। वहीं उनको कार्य करने में भी काफी दिक्कतें पेश आती हैं। उन्होंने कहा कि इसको लेकर उनके द्वारा उच्च अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को भी शिकायत की गई है। मॉर्निंग वॉक पर निकली महिलाओं से चैन स्नेचिंग की घटनाओं को लगातार अंजाम देने वाले रुड़की के रामपुर निवासी मानू को पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के द्वारा मॉर्निंग वॉक पर पैदल निकलने वाली महिलाओं की रेकी करने के बाद उनसे झपट्टा मारकर चैन छीन ली जाती थी। ऐसे दो घटनाओं के बाद पुलिस की नींद खराब हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर तंत्र को मजबूत करते हुए आरोपी मानू को गिरफ्तार कर लिया। एसपी देहात ने खुलासा करते हुए इस बारे में जानकारी दी। समय से चैन स्नैचिंग की घटनाएं जो इस क्षेत्र में बड़ी थी, मॉर्निंग के समय में जो महिलाएं मॉर्निंग वॉक पर जाती थी उनसे एक पैदल व्यक्ति द्वारा लगातार चैन झपट्टा करके लगातार घटनाएं की जा रही थी। उसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत किए गए थे। दो अभियोग इसमें पंजीकृत हुए थे, जिसमें कुछ लोगों के पहचान इसमें हुई थी और इसमें एक व्यक्ति की, मतलब दो व्यक्ति की इसमें गिरफ्तारी हुई है। एक व्यक्ति इसमें नाबालिग है, उसे न्याय बोर्ड में पेश किया गया है, और एक जो है इमरान, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे दो चेन जो हमारी बरामद हुई है और इसके खिलाफ जो और जो पुलिस की कार्रवाई अमल में आई। सर, जैसे दो दिन पहले वो चैन बाइक चोर पकड़ा गया था, क्या उसी टीम से जुड़े? ना, ये उससे नहीं, ये अलग गैंग है इसमें, क्योंकि ये नए भाई, हमें ये भी पता कर रहे हैं कि ये चैन स्नैचिंग क्यों, मतलब किस कारण से कर रहे थे, क्योंकि ये नशे वगैरह का भी आदि हमें बताया जा रहा है। तो उन चीज़ों को देखते हुए हम लोग इसमें इस तरह की घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं सर? इस वाले क्षेत्र में हम पहले से देख रहे हैं कि बहुत घटनाएं बढ़ी हैं, जो क्राइम रेट है उसमें बढ़ावा आया है, तो कहीं पुलिस की तरफ से कोई कमी रह रही है? नहीं नहीं, घटनाएं बढ़ी भी हैं और घटनाएं बिल्कुल आपका कहना सही है, घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन पर उनके रोकथाम के लिए भी पुलिस ने प्रयास किए हैं और लगातार गैंग को हम वर्कआउट भी कर रहे हैं। तो जो लोग इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं उनको हम लोग पकड़ भी रहे हैं। जनपद नैनीताल के ग्राम हली राती घाट में ग्रामीण हेम जोशी द्वारा सड़क बनाने के नाम पर वन विभाग की मिली भगत से दर्जनों पेड़ों को काट दिए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन तक इसकी सूचना दी और बताया कि गांव के कुछ लोग और उनके भाइयों द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया जा रहा है। हेम जोशी ने जिला अधिकारी को पत्र भेजकर अपनी सुरक्षा की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि पेड़ों को काटकर तस्करी की जा रही है, भाइयों को आपस में लड़ाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व विवाद हो जाने पर हेम जोशी को चोट आ गई, जिसका उपचार राजकीय अस्पताल नैनीताल में कराया गया। हमारे गांव के कुछ लोगों द्वारा ये रोड काटी जा रही है, नीचे हमारा घर है, हमें नुकसान हो रहा है, यहाँ से पत्थर आ रहे हैं, दीवार लगी हुई है और यहाँ से पत्थर गिरते हैं, हमारे वहाँ खेतों में नुकसान होता है, बगीचे में नुकसान होता है, डर लगती है हम लोगों को और हम कुछ कह भी नहीं पाते हैं, इनसे झगड़ा हो जाता है और ऊपर से भी रोड काट रही है, एक रोड ये कट रही है, एक रोड ऊपर से कट रही है, अपनी अपनी तरफ को कट रहा है, कहाँ से बता दी इसका पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई मानता नहीं है, किसी को रोको जो तो कह रही कि भाई हम तो अपने अपने घर को रोड ले जाएंगे। और उधर से PWD ने भी रोड काटने शुरू कर दिया, हमारा एकमात्र फॉरेस्ट पंचायत है यहाँ पर, जिसमें पेड़ सुखाए जाते हैं, काटे जाते हैं और ऐसे पेड़ों को काटते हैं, सुखाते हैं, फिर रोड काटी जाती है और कोई देखने वाला, कोई भालने वाला नहीं है। मैंने एक बार इसकी शिकायत करी कि पेड़ सुखाए जा रहे हैं, अवैध खनन किया जा रहा है, तो इन्होंने मेरे को 354/506 के तहत अंदर कर दिया और इन लोगों ने मेरे को 354/506 के तहत जेल करा दी और मैं बड़े मुश्किल से जेल में फिर केस लड़ा मुश्किल से, और आज भी गांव के लोग कहते हैं ये तो कैदी है, जबकि मैं विचाराधीन बंदी होकर केस जीत करके घर आया और मेरे को सरकार ने भी नहीं देखा कि भाई इसने झूठा इसको वो किया, तो मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं दर दर भटक करके अपनी आजीविका चला रहा हूँ और आज भी मैंने शिकायत की, जब तो घर में भी मेरा झगड़ा हो जाता है और कुछ नहीं हुआ तो घर का झगड़ा डाल देते हैं, जमीन जायदाद का झगड़ा, बंटवारे का झगड़ा डाल देते हैं। हकीकत में है कि मैं पर्यावरण और अपने पहाड़ को बचाना चाहता हूँ और ये लोगों के देखो हरकत है, मैंने पूरी वीडियो जितने पेड़ काटे हैं और जितना ये रोड खोद रखी है, एक एक रास्ता एक एक वो मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर रखी है कि मैं सरकार को दूं। मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी ये पेड़ों की पूर्व में लिखी शिकायत, मैंने कई अर्जियां मैंने विभाग को प्रशासन को दे रखी हैं, मैंने हर किसी को दी, SDM तहसील कोशियां कोटोली को दी और DM नैनीताल को दी, मेरी कोई भी अर्जी में गौर नहीं किया गया।
सूबे के चुनावी संग्राम को देखते हुए हो रहे दल बदल को लेकर विकासनगर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने साफ कहा कि राजनीति में दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, जिससे आना जाना लगा रहता है। प्रीतम सिंह ने यशपाल आर्य और संजीव आर्य की घर वापसी को लेकर कहा कि 2017 में कुछ कारणों के चलते ये लोग भाजपा में गए थे, लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठा के चलते वापसी की है, जिसका सभी स्वागत करते हैं। वहीं दूसरी ओर पचवादून की सहसपुर विधानसभा प्रत्याशी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि टिकट मांगना प्रत्येक पार्टी कार्यकर्ता का अपना हक है, लेकिन टिकट देना और प्रत्याशी का चयन करना पार्टी हाईकमान पर निर्भर करता है। साथ ही उन्होंने इस दौरान महंगाई, किसान और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को भी जमकर कोसा। ये किसने कहा कि चुनावी माहौल में ही आना जाना लगा रखा है? राजनीति में और लोकतंत्र में हमेशा राजनीतिक दलों के दरवाजे खुले रहते हैं और उस खुले दरवाजे से बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, ये प्रक्रिया चलती रहती है। बतौर नेता प्रतिपक्ष, आपको अब तक लग क्या सभी बागी वापस आ जाएंगे 22 तक? क्या सभी बागी वापस? मेरे पे इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं। हम तो इतना जानते हैं कि यशपाल आर्या जी और संजीव आर्या जी कांग्रेस में आए हैं, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करके पुनः अपने घर वापसी आने का काम किया है। अब भविष्य के बारे में तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप आगे आगे देखिए होता है, मानते आ जाएंगे। मैंने कहा ना, आगे आगे देखिए होता है क्या। धामी जी को भाजपा अब तक का सबसे रफ्तार का मुख्यमंत्री बता रही, आप कह रहे नाइट वॉचर? मैंने नहीं बोला। अगर आपने देश के रक्षा मंत्री जी की प्रेस वार्ता को या उन्होंने जहां पर संबोधन किया था उसको सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि धामी जी नाइट वॉचमैन के रूप में क्या नाम बैटिंग कर रहे हैं और उनसे वो अपेक्षा कर रहे हैं कि वो चौके छक्के लगाए। तो मैंने ये कहा कि नाइट वॉचमैन में क्रिकेट की भाषा में या क्रिकेट जगत में उसको भेजा जाता है जो सबसे कमज़ोर खिलाड़ी होता है, और कमज़ोर खिलाड़ी से चौके और छक्के की अपेक्षा नहीं होती। तो आप मानते हैं कि सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री है? मैं क्या मानता हूँ, पूरा उत्तराखंड मान रहा है। उनको तब मुख्यमंत्री बना दिया जब उनके पास समय नहीं। कल पोखरी तहसील में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बताते चले, पिछले लंबे समय से ये लोग अपनी एक सूत्रीय मांग, मानदेय बढ़ाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनका आरोप है कि सरकार इनकी नहीं सुन रही है। अब मांगे ना माने जाने पर वोट का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि अब मांगे ना माने जाने पर वह वोट का बहिष्कार करेंगे। आंदोलन का आज छठवां दिन रहा। 100 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरने पर बैठे रहे। उन्होंने कहा यदि जल्द मांग नहीं पूरी होती तो भूख हड़ताल पर बैठा जाएगा। समस्त चमोली जिला ये आंदोलनरत है और हमें आज छठवां दिन हो गया है। हम 18 सालों से नौकरी कर रहे हैं और ये सरकार 18 सालों से हमारे साथ हमेशा ऐसा ही खिलावा करती आ रही है। जब मानदेय बढ़ोतरी की बात आती है तो कभी कोई हमको ये हमेशा हमेशा हमको यही आश्वासन ही दिए जाते हैं, ना कि बढ़ोतरी होती है। मांग है कि हम 18 सालों से इस आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं और सारा विभाग हमको ये काम दिया जाता है, जो कोई नहीं करता है वो हम आंगनबाड़ी बहने करती हैं। हमने कोरोना काल में अपनी जी जान हाथ में रह के लोगों के घर घर जाके धक्का मुक्की करके हमने उनके घर पे गई, लेकिन सरकार ने हमको फिर भी अनदेखा कर रखा है और सारे विभागों का काम हमको थोपा जा रहा है। इसमें हमें क्या कमी है जो हम लोग मानदेय बढ़ाने के लायक सरकार के सामने नहीं है? और काम के लायक तो हम लोग हैं, लेकिन मानदेय के लायक नहीं है। हमारी राज्य सरकार से यह मांग है कि हमारी की हम विगत 18 वर्षों से अपना धरना प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं और हमें जीने लायक मानदेय मिलना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री से यह निवेदन है कि जो हमारी बहनें कल उन्होंने हमारी बहनों को बड़ी बेरहमी से पकड़कर पुलिस लाइन में छोड़ा और अभी तक कोई वार्ता का विषय नहीं आया। हम धानी सरकार से यह बोलना चाहते हैं कि हम अग्रिम अपनी धरना प्रदर्शन अग्रिम तारीख तक जारी रखेंगे और हम भूख हड़ताल पे भी रहेंगे। एक ही मांग है हम कार्यकर्ताओं की, 18,000 मानदेय किया जाए, लेकिन हम पिछले कई दिनों से धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही है। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, हमारा मानदेय 18,000 नहीं होता है, तब तक हम अपने धरने में बैठे रहेंगे।
जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए अधियाचन उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद को प्रेषित कर परीक्षा संपन्न कराने का जिम्मा दिया गया, जिसमें लिखित परीक्षा में अर्हता के लिए न्यूनतम 40 अंक निर्धारित किए गए थे और शारीरिक दक्षता परीक्षा का प्रावधान भी किया गया था। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद ने मेरिट के आधार पर सिर्फ उच्चतम अंक हासिल करने वालों को ही शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आमंत्रित किया और न्यूनतम अर्हता के लिए निर्धारित अंक 40 और उससे अधिक वालों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। दरअसल वर्ष 2011-12 में ग्राम विकास विभाग ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पदों पर अध्याचन जो है कराने के लिए, उसकी भर्ती प्रक्रिया कराने के लिए अध्याचन जो है उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद को भेजा और इसमें प्रावधान किया गया कि न्यूनतम 40 अंक जो अहर्ता इसके लिए रखी गई कि जो 40 अंक हासिल करेगा उसको ही आगे शारीरिक दक्षता परीक्षा में बैठने का अधिकार होगा। तो इसमें पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है इसको अपनाने के लिए जो प्राविधिक शिक्षा परिषद है उसने क्या किया, इसी जो 40 अंकों की अहर्ता थी और इसी के आधार पर मेरिट सूची बना करके सिर्फ उन्हीं लोगों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में आमंत्रित किया जिन्होंने उसमें मेरिट को क्लियर किया था और जो 40 अंक निर्धारित जिन्होंने पूर्ण कर लिए थे वो जो मेरिट में नहीं आ रहे थे उनको कहीं भी इसने बुलाया नहीं परिषद ने। तो इस मामले को लेकर ये हमारे कुछ युवा साथी जो अभ्यर्थी थे जो पीड़ित थे उन्होंने उच्च न्यायालय की शरण ली और माननीय उच्च न्यायालय ने 6/4/2018 और 9/4/2018 में स्पष्ट निर्देश परिषद को दिए कि आप जिन्होंने 40 अंक निर्धारित जो अहर्ता है उसको पूर्ण किया है उन सभी को आप शारीरिक दक्षता परीक्षा में आमंत्रित करें और जो लोग काबिल हैं जो पात्रता रखते हैं उनको आप विधिवत नियुक्ति प्रदान करें। इस मामले में जो ग्राम विकास विभाग है और हमारा जो परिषद है उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद इसने ऑनरेबल हाई कोर्ट के निर्देशों के क्रम में एक तरह से अपनी मनमानी करके पहले आवत पहले पावत के स्थान पर ये एक फार्मूला अख्तियार करके जो 70.75% अंक जो 70.75 अंक जिस अभ्यर्थी ने हासिल किए थे उसको तो बाहर कर दिया और उसके साथ साथ 62 से लेकर 65 अंक जिसने हासिल किए उनको भी कंसिडर नहीं किया गया और मात्र 57.25% यह अंक कह लीजिए 57.25 अंक जिसने हासिल किए उसको नियुक्ति प्रदान कर दी। इस तरह का एक खेल इस प्रदेश के अंदर चल रहा है। हमारा कहना है कि जो काबिल युवा है जो संसाधन विहीन है जो सिफारिश विहीन है वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, वो कहाँ अप्रोच करे। इस मामले को लेकर के जो पीड़ित पक्ष है जो हमारे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है जिनका उत्पीड़न हुआ है उस मामले को लेकर के हम शासन में भी जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो माननीय उच्च न्यायालय का भी दबाव। सरोवर नगरी और उसके आसपास आजकल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की रामलीलाओं का मंचन जारी है। इसी क्रम में मल्लिता नैनीताल श्री राम सेवक सभा जिसको पूरे 100 वर्ष हो गए हैं बुधवार को वहां रामलीला मंचन दिखाया गया जिसमें सुपर्णखा अपने कलाकारी से राम लक्ष्मण को अपनी ओर मोहित करते हुए आकर्षित करने का प्रयास करती है पर भगवान के आगे किसी की नहीं चली। तब राम जी का इशारा करते ही लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक का डाल। यहाँ बता दे श्री राम सेवक सभा में महिलाओं और पुरुषों द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है। सभी पात्रों के मंचन की जनता द्वारा काबिले तारीफ की जा रही है। मसूरी में भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय स्तरीय भाषण प्रतियोगिता के तहत प्रवक्ता चयन की शुरुआत 17 अक्टूबर को देहरादून से की जाएगी। मसूरी में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उत्तराखंड युवा कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता आरुषि सुंदरियाल ने बताया कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, पहाड़ से लगातार पलायन हो रहा है लेकिन इससे भाजपा की सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार आदि को लेकर पूरे देश में भाषण प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है जिसमें सभी क्षेत्र के युवा प्रतिभाग करेंगे और देश में बढ़ती बेरोजगारी भ्रष्टाचार के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि भाषण प्रतियोगिता में 5 सबसे सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं को चुना जाएगा जिनको कांग्रेस के प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी जाएगी। आज की डेट में जो हमारे देश का युवा है वो बेरोजगारी से बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने ये डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ कराया है। इसमें बेरोजगारी महंगाई और सारे जो मुद्दे हैं जिससे जनता परेशान है वो लेकर जनता के बीच से लोग हमारे पास आएंगे और 17 अक्टूबर को ये कार्यक्रम हमने देहरादून के कांग्रेस भवन में रखा है जिसमें जो है हम 5 प्रवक्ता जिला के लिए चुनेंगे जिसके बाद आगे वो प्रवक्ता जो जिले से चुने जाएंगे वो स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर भी प्रवक्ता के चयन के लिए डिबेट
कॉम्पिटिशन हम लोग आगे भी ऑर्गेनाइज करवाएंगे। तो जो ये वाला जो हम करा रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है कि हमारी जैसे पार्टी की आइडियोलॉजी है, हम लोग जो है मन की बात थोपते नहीं है दूसरों पर, हम मन की बात सुनते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि इसमें हम जो है जनता के मन की बात सुने। जो है जितने भी मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, और साथ ही जो कोरोना में जो लोग परेशानी, जो लोगों का सामना करना पड़ा है, जो भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, वो सारे मुद्दे लेकर लोग आ सकते हैं। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी द्वारा कराया जा रहा है और हमारा उद्देश्य है कि लोग जो है कांग्रेस की तरफ जो है उनका रुझान ज्यादा से ज्यादा हो और लोग सरकार की कहीं ना कहीं पोल पर। हाँ जी, हाँ जी, सरकार से जो लोग परेशान है वो हमारे पास बिल्कुल उनका स्वागत है। जनपद चमोली के ब्यारागारी निवासी 91 वर्षीय कुंदन सिंह रावत विगत कुछ दिनों से लापता हैं। परिजनों ने प्रशासन से जल्द खोजने की मांग की है। टनकपुर क्षेत्र में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विभिन्न मेडिकल स्टोर में छापेमारी की। छापेमारी की कार्रवाई से दवा विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान भारी अनियमितताएं मिली। टीम द्वारा एक क्लिनिक में एक्सपायरी दवा मिलने पर सील की कार्रवाई की गई है, जबकि 4 मेडिकल स्टोरों का चालान किया गया है। नैनीताल का रामनगर वन प्रभाग नेशनल हाईवे 121 के कॉर्बेट क्षेत्र के हाथियों वाले मूवमेंट एरिया में पहला इको ब्रिज बनने जा रहा है। इससे हाथी और अन्य वन्य जीव आसानी से रोड क्रॉस कर सकेंगे। इको ब्रिज की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर होगी। रामनगर वन विभाग के अंतर्गत आने वाले NH 121 के रिंगोड़ा क्षेत्र में लगभग 1,10,00,000 रुपये की लागत से इको ब्रिज बनने जा रहा है, जिससे कॉर्बेट क्षेत्र में वन प्रभाग रेंज की कोसी नदी में जाने वाले हाथियों को आसानी होगी। यह ब्रिज रामनगर डिवीजन और कॉर्बेट डिवीजन को जोड़ेगा। ब्रिज की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर की होगी। पहार टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहार टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, आस्था भी, ये है मेरा उत्तराखंड।